गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ रोज की तरह आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई काफी ज्यादा अच्छे से कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अब अपने पहले वन वर्ड के साथ। देखिए क्या है हमारा पहला सेंटेंस, अ पर्सन हु कैन इंड्योर पेन और हार्डशिप विदाउट सोइंग इज फीलिंग और कंप्लेनिंग। यानी कि वैसा इंसान जो कि अपने जो भी उसका दर्द है या फिर जो भी उसे पीड़ा कष्ट है वो बिना किसी शिकायत या फिर बिना किसी को कुछ जताए वो सारा कुछ बर्दाश्त करता रहता है, वो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं फ्रेंड्स। तो उसके लिए हम ये वर्ड कौन सा वर्ड यूज करते हैं, स्टोइक। ये आपका हम उस सेंस में यूज करते हैं जबकि कोई इंसान अपने दर्द पीड़ा को बिना किसी को जताए उसे चुपचाप बर्दाश्त करता रहता है। ये आपका देखिए एक वर्ड यहाँ पे क्या है फ्रेंड, इसका मतलब क्या होता है, ये आपका स्टोइक क्या होता है, सन्यासी। जब भी आप कोई गृहस्थ जो कि अपना परिवार निर्मित नहीं करता, अपना परिवार नहीं बनाता है और सन्यास ले लेता है, उस सेंस में हम इस वर्ड का यूज करते हैं। एग्नोस्टिक क्या होता है फ्रेंड्स, कोई भी जैसे कि ईश्वर वगैरह विश्वास नहीं करता है, इसे आप पेसिमिस्ट भी बोल सकते हैं। पेसिमिस्ट का मतलब भी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, जो निराशावादी होता है, इस सेंस में आप इसे थिस्ट भी बोल सकते हैं, सॉरी एथिस्ट भी बोल सकते हैं, इस सेंस में आप इसे यूज कर सकते हैं। या आपका क्या हो गया, जो कि नास्तिक होता है या फिर जो सिर्फ अपने में ही मगन होता है, उसे दूसरे से कोई मतलब नहीं होता है, उस सेंस में हम इसे यूज करते हैं, इस वर्ड का यूज करते हैं। ये वर्ड क्या है फ्रेंड्स, पीडेंट का मतलब होता है काफी ज्यादा, जो पंडितगिरी ढारता रहता है, उस सेंस में हम इसे वर्ड का यूज करते हैं। आप इसे पंडित वादी भी बोल सकते हैं। अगला वर्ड क्या है फ्रेंड्स, सेकंड सेंटेंस क्या है हमारा, अ पर्सन हु हेल्ड अ जॉब और ऑफिस बिफोर द करंट होल्डर। यानी कि जो भी आपका करंट में जो आपका कोई पोस्ट पे कोई इंसान काम कर रहा है, तो उससे पहले जो इंसान काम कर रहा था उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रेडिसेसर। ये आपका क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, पूर्वज आप इसे बोल सकते हैं, ये इस सेंस में हम इसे यूज करते हैं। यानी कि अगर आपका कोई अभी आपका पोस्ट है उस पर अगर आप बैठे हुए हैं, तो आपसे पहले जो उस पोस्ट को जो हैंडल कर रहा था वो आपका क्या हो जाता है, आपका वो हो जाता है प्रीडिसेसर। ये आपको ध्यान रखना है। आपका इसी का एंटोनिम क्या होता है फ्रेंड, सक्सेसर। सक्सेसर का मतलब होता है जो आपके पहले था उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं, और जो आपके बाद आएगा यानी कि जो आपका उत्तराधिकारी होगा, इसे आप उत्तराधिकारी बोल सकते हैं, जो आपके बाद आएगा उसे हम क्या बोलते हैं, सक्सेसर बोलते हैं। एंसेस्टर क्या होता है फ्रेंड्स, आपका काफी ज्यादा पूर्वज। ये तो आपका एक जैसे कि आप एक पोस्ट की बात कर रहे हैं और ये आपसे पहले की बात हो रही है, उस सेंस में हम इस वर्ड का यूज करते हैं। लेकिन अगर आपको इस वर्ड का यूज करना है तो इसका मतलब भी पूर्वज ही होता है, लेकिन इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि काफी ज्यादा पुराना, जैसे कि आपके दादा के दादा के दादा, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो आप इससे ऐसे समझ सकते हैं कि आपका एंसेस्टर क्या होता है, पूर्वज। और ये देखिए आपका एक वर्ड यहाँ पे और क्या है फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या होता है, वंशज। यानी कि जो आपके, जैसे मैंने अभी यहाँ पे बात की कि अगर आप एंसेस्टर की बात करें तो आप पूर्वज की बात करें, दादा के दादा के दादा, यानी कि आप ऊपर से जा सकते हैं। अगर आप इस वर्ड की बात करते हैं, डिसेंडेंट की बात करते हैं, तो ये आपका क्या होता है, जैसे कि आपके बेटे का बेटा का बेटा, यानी कि आने वाला। और ये आपका क्या हो गया, आपके पहले जो बीत चुका है और ये क्या हो गया, जो आपके आने वाला है। तो ऐसा आप इस वर्ड को समझ सकते हैं। अगला सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, थर्ड इडियम क्या है, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट वॉर एंड वायलेंस आर अनजस्टिफिकेबल। वायलेंस वगैरह होता है वो उससे नफरत करता है, ये नहीं होना चाहिए, ऐसी उसकी सोच है। तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए हम पैसिफिस्ट का यूज करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, शांतिवादी, जो कि काफी ज्यादा शांति से प्यार करता है, उसे लगता है कि दुनिया में शांति हो, उस सेंस में हम इसका यूज करते हैं। पेसिमिस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए ऑप्टिमिस्ट देखते हैं। ऑप्टिमिस्ट क्या होता है, जब जो कि कोई अपने भविष्य को लेकर या फिर कोई अपने काम को लेके काफी ज्यादा आशावादी होता है कि ये काम मैं कर लूंगा या फिर ये काम मैं कर लूंगी, उसी का अपोजिट होता है क्या, पेसिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी आप बोल सकते हैं, जो कि जिसे अपने आप पे भरोसा ना हो और वो काफी अपने फ्यूचर को लेकर काफी ज्यादा निराश हो कि नहीं ये नहीं हो पाएगा, तो इस सेंस में हम ऐसे ही से समझ सकते हैं। अनार्किस्ट क्या होता है फ्रेंड्स, अराजक होता है, जैसे कि कोई लॉ, जैसे कि एक सोसाइटी को चलाने के लिए लॉ एंड ऑर्डर का मेंटेन होना काफी जरूरी है, उसमें रूल्स फॉलो होना काफी जरूरी है। अगर रूल्स फॉलो नहीं होंगे तो हमारा सोसाइटी सही से वर्क नहीं कर पाएगा, जिससे जो भी मन होगा वो करने लगेगा, तो अराजकता फैल जाएगी। तो इसका मतलब इसी से आप समझ सकते हैं कि एनार्किस्ट का मतलब क्या होता है, कि जो रूल्स को फॉलो नहीं करता है, जो अराजक होता है, जो अराजकता फैलाने में अपना योगदान देता है, इस सेंस में हम इस वर्ड को यूज करते हैं। चौथा वर्ड क्या होता है फ्रेंड्स, A small building or room used for Christian worship in a school, prison, hospital or a large private house. वैसा स्थान जो कि आपका
कोई स्कूल में होता है या फिर चर्च में होता है या फिर हॉस्पिटल या फिर कोई भी आपका प्राइवेट हाउस है जो कि हमारा घर होता है, तो वहां क्या होता है, एक छोटा सा वर्शिप होता है, क्या होता है, एक छोटा सा पूजा घर होता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो जो छोटा सा होता है फ्रेंड, जो हमारे घर में होता है, पर्सनल होता है, उसके लिए हम क्या बोलते हैं, कौन सा वर्ड यूज करते हैं, उसके लिए हम चैपेल वर्ड का यूज करते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी वर्ड देखते हैं फ्रेंड्स, कॉन्ग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है सभा, या फिर जब भी जब कोई अलग अलग धर्म के लोग मिलते हैं, मीटिंग करते हैं, तो जो सभा होता है, धर्म की सभा की जाती है, उसके लिए हम इस वर्ड का यूज करते हैं। इसे आप समागम भी बोल सकते हैं, काफी सारे लोग एक साथ मिलते हैं, तो इस वर्ड का यूज हम इस सेंस में करते हैं। चर्च आप लोगों को पता ही है, पूजा समझ सकते हैं। कैथीड्रल भी आपका सेम ही हो गया, सेम ही सेंस में यूज होता है। आपका पांचवा वर्ड क्या है, आखिरी सेंटेंस क्या है, One who holds a post without any salary, यानी कि कोई जो काम करता है, वो उसे कोई जो काम कर रहा है, वो उस काम करने के कोई पैसे नहीं ले रहा है, तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, तो उसके लिए हम volunteer का यूज करते हैं। स्वयं सेवक या फिर जो स्वयं सेवक या फिर आप इसे समाज सेवक भी बोल सकते हैं, इस सेंस में हम इस वर्ड का यूज करते हैं। होनरेरी क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि आप कोई सम्माननीय व्यक्ति है, ऑनरेबल आप बोल सकते हैं, उस सेंस में हम इस वर्ड का यूज करते हैं। समरिटन क्या होता है फ्रेंड्स, समरिटन का मतलब होता है कोई भी अच्छा आदमी, जो कि गुड पीपल आप इसे बोल सकते हैं, गुड पीपल बोल सकते हैं, या फिर आप इसे नेक आदमी, जो कि काफी ज्यादा अच्छा आदमी है, जिसका दिल काफी साफ है, तो उस सेंस में हम इस वर्ड का यूज करते हैं। हाइड्रो क्या होता है फ्रेंड्स, हाइड्रो होता है जैसे कि कोई बुद्धिमान है, काफी ज्यादा किसी उच्च खानदान का है या फिर उच्च वर्गीय है, उस सेंस में हम इस वर्ड का यूज करते हैं। आप इसे सिंपली बुद्धिमान भी बोल सकते हैं, काफी बुद्धिमान होता है, या फिर जो काफी ऊंचे घर से बिलोंग करता है, उस सेंस में हम इस वर्ड का यूज करते हैं। तो ये थे फ्रेंड्स आज के आपके पांच वर्ड्स, जो कि 2019 प्री का जो एग्जाम हुआ था CPO का दिसंबर में, उसी से मैंने ये सारे वर्ड्स उठाए हुए हैं। तो अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, तो आप इसे बिल्कुल भी लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद एक बार चैनल की प्लेलिस्ट को जरूर विजिट करें, वहां पे आप लोगों के काफी ज्यादा यूजफुल वीडियोस आप लोगों के लिए डाले जा रहे हैं, जहां से आप अपनी तैयारी को काफी ज्यादा एक अच्छे लेवल पर लेकर जा सकते हैं। बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक आप अपनी तैयारी को इम्प्रूव कर सकते हैं। कल की क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।